हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, सिंपल भाषा में ऑथेंटिक जानकारी, डायरेक्टली यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से रेफरेंस्ड जानकारी आपको देते हैं। आज हम आपको बात करेंगे फ्लू वैक्सीन के बारे में। ये वीडियो एक बार फिर बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं आया था, राइट? कभी कभी ऐसा होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाता, इसलिए मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ उसी पे। अल्टीमेटली विंटर शुरू हो चुका है, विंटर्स के साथ आती है ठंड, के साथ ठंड की बीमारियां, लोग यहाँ छींकते हैं वहां छींकते हैं, सब फैलता है। क्या फैलता है? वायरस, राइट? फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी में डेंजरस वायरसेस भी होते हैं, स्वाइन फ्लू, जिससे कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, हो सकती हैं, होंगी। तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? उसका एकमात्र जरिया है वैक्सीन। उसके अलावा वायरस से बचने का कोई तरीका नहीं है, आपके अंदर वायरस जाएगा। हाँ, इतना है कि मुंह पे हाथ रख के छींकिए कि आप दूसरों को ना फैला दें, और हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखें, राइट? बच्चों को बचाएं, दैट इज द ओनली थिंग विच यू कैन डू। और बाकी वैक्सीनेशन है, राइट? वैक्सीनेशन से क्या होगा, आप अपने बच्चों को बचा पाएंगे कि अगर उनको वैक्सीनेशन से वायरस होगा भी, इनफैक्ट तो कम सीरियस होगा, कम खतरनाक होगा, और कईयों को नहीं होगा वैक्सीन की वजह से। तो वैक्सीन का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन सी वैक्सीन, क्या वैक्सीन करती क्या है वैक्सीन, राइट? क्या साइड इफेक्ट, क्या बेनिफिट, ये सब आज बात करेंगे हम इस वीडियो में। सो आइए शुरू करते हैं। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. देखिए, वैक्सीन जो होती है इन्फ्लुएंजा की, फ्लू वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन सबको मिलनी चाहिए, सबको, लिटरली सबको मिलनी चाहिए। लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वो वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं। इसीलिए उनके जगह उनके पेरेंट्स को, उनके आसपास जो रह रहे हैं उनको वैक्सीनेशन करते हैं, ताकि उनको, उनके पेरेंट्स को जो है ये फ्लू, सर्दी खांसी जो है ना हो, या सीरियस वाले फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसे फ्लू ना हो, ताकि बच्चे को ना हो पाए। क्योंकि होगा ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से, आपके छींकने से किसी को होगा। तो इसीलिए 6 महीने से छोटे बच्चे को नहीं करते, उनके माँ बाप को, उनके आसपास के लोगों को करते हैं। और 6 महीने से बड़ा कोई बच्चा है और कोई भी उम्र का एडल्ट है, बूढ़े से बूढ़ा है, उसको इन्फ्लुएंजा की फ्लू वैक्सीन लगनी चाहिए हर साल। ये होना चाहिए, कायदा कहता है, ताकि आपको फ्लू ना हो, इन्फ्लुएंजा ना हो, आपको सर्दी खांसी ना हो, जो हर बार ठंड में होती। अगर आपको बहुत जल्दी हो जाती है सर्दी खांसी हर बार, हर कुछ महीनों में, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब जैसे ही सर्दी खांसी ठीक होती है आप फ्लू वैक्सीन ले लें उस साल की। ये हर साल नई वैक्सीन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अभी बताएंगे। देखिए, फ्लू या सर्दी खांसी होती है एक वायरस की वजह से। ये वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत सारे प्रकार के हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, उसमें भी कई प्रकार हैं। इन्फ्लुएंजा ए में ही एक H1N1 आता है, स्वाइन फ्लू वायरस। इन्फ्लुएंजा ए में H3N2 आता है, इन्फ्लुएंजा बी के और टाइप्स। सो इन सब वायरसेस के जो है के लिए वैक्सीन बनती है। इसमें आती कई प्रकार की वैक्सीन, या तो इस वायरस के को लेके, वायरस को लेके उसको मार के, किल्ड वायरस, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है वो IIV, या होती है RIV, रिकॉम्बिनेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसमें के वायरस के पार्टिकल्स लिए जाते हैं, वायरस का प्रोटीन लिया जाता है, उससे वैक्सीन बनाई जाती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं। इनएक्टिवेटेड वाली वैक्सीन किसी को भी दी जा सकती है 6 महीने के ऊपर, रिकॉम्बिनेंट वाली 18 साल के ऊपर वाले लोगों को देते हैं बस, 18 साल से नीचे नहीं दी जाती। और हर वैक्सीन में वो उसके जो किसको दे सकते हैं किसको नहीं वो लिखते हैं। और एक और टाइप आता है जिसमें लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वायरस होता है, जिसका सिर्फ उसकी एक्टिविटी लेवल, उसके असर कम कर दिया जाता है, उसे एटीनुएट कर दिया जाता है, ताकि वो एक पर्टिकुलर जगह पे कम मात्रा में बीमारी करे। जैसे कि अगर वो है लाइव वायरस में, नॉर्मली क्या होता है
कि उसकी ये एक्टिविटी कर दी जाती है कि वो ठंडे इन्वायरमेंट में जिएगा, यानी नाक में जिएगा जहां ठंड लग रही है, लेकिन जैसे ही लंग में जाएगा मर जाएगा, क्योंकि गर्म इन्वायरमेंट, जैसे ही थोड़ा गर्म है तो मर जाएगा। इसलिए लाइव एटीन्यूएटेड वायरस जो है वो स्प्रे से दे सकते हैं, उसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, स्प्रे से दे सकते हैं। तो स्प्रे से वैक्सीन देते हैं यहाँ, तो वो नाक में थोड़ी सी बीमारी करता है माइल्ड सी, 2-4 दिन की, और फिर उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्ट इम्यूनिटी मिल जाती है। तो ये भी एक तरीके का वैक्सीन है। तो वैक्सीन 3 प्रकार के होते हैं, या तो लाइव एटीन्यूएटेड, या रिकॉम्बिनेंट, या इनएक्टिवेटेड। और इन वैक्सीन को 3 प्रकार से दिया जा सकता है। नंबर 1 नीडल इंजेक्शन, जो कि मसल में लगता है। दूसरा एक बिना इंजेक्शन के भी एक जेट इंजेक्टर होता है, जेट इंजेक्टर से आपके अंदर डाल दिया जाता है वो शॉट। और तीसरा स्प्रे, स्प्रे स्प्रे से लाइव वाला देते हैं। लाइव वाला जो होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दे सकते, बाकी के प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं, शॉट्स दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देते क्योंकि उससे बीमारी हो सकती है। और किसको नहीं देते, जो अनहेल्दी लोग हैं, जो ऑलरेडी हेल्थी नहीं है, और जो 2 साल से 50 साल के बीच की उम्र, 39 के बीच में देते हैं लाइव वैक्सीन, बाकी उसके अलावा नहीं देते। और जो लोग एस्पिरिन या ऐसी कोई मेजर दवाइयां ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उनको नहीं देते। सो लाइव वैक्सीन कुछ जगहों पे नहीं देते हैं, बाकी की वैक्सीन दे सकते हैं, राइट। और बाकी चीजें जो मायने रखती हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर वैक्सीन एक पर्टिकुलर वायरस के लिए नहीं होती, कॉम्बिनेशन वैक्सीन आती है, क्योंकि वायरस इतने सारे हैं तो हमेशा कॉम्बिनेशन आती है। पहले जो पहले से आती थी वो है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट में H1N1, इन्फ्लुएंजा ए H1N1, इन्फ्लुएंजा A H3N2 और इन्फ्लुएंजा B, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए ट्राइवेलेंट इसको कहते थे वैक्सीन। अब वो आ गई है क्वाड्रिवेलेंट, उसमें एक और इन्फ्लुएंजा बी का ऐड कर दिया गया है, राइट। अब आने वाली है पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट वैक्सीन आने वाली है बहुत जल्द। सो वैक्सीन ये क्यों आती है, बार बार नई वैक्सीन क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि ये जो वायरसेस हैं ये हर साल इनमें म्यूटेशन होता है, हर साल इनमें एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है, एंटीजेनिक शिफ्ट होता है, जिससे कि इनके एंटीजेंस चेंज हो जाते हैं, तो आपके अंदर जो पुराने वायरस के एंटीबॉडीज हैं वो काम नहीं कर पाते, इसलिए आपको बार बार कोल्ड होता है, बार बार फ्लू होता है, राइट। क्योंकि वायरस है, एक बार हुआ तो अगली बार उस पर काम हो जाना चाहिए था, वो वही वाला वायरस, वही वाला स्ट्रेन आएगा तो आपकी बॉडी झेल लेगी, मार देगी उसको, लेकिन अब एंटीजेनिक शिफ्ट करके आया है इसलिए नहीं मार पाती। इसलिए जो रिसर्चर साइंटिस्ट क्या करते हैं, आपके देश के, आपके रीजन के, वहां जो प्रोमिनेंट वायरसेस हैं उनके एंटीजेनिक शिफ्ट स्टडी करते रहते हैं, और उस स्टडी से जो एंटीजेनिक शिफ्ट पकड़ में आते हैं उनके लिए वैक्सीन बना के वो फिर आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। इसीलिए जैसे ही वो आती है मार्केट में नई वाली इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, वो उसी वक्त तुरंत से तुरंत लगवा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये लगवाओगे तुरंत असर नहीं शुरू होता, इसको लगते हैं 2 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद वैक्सीन का असर शुरू होता है आपको प्रोटेक्ट करने का। 2 हफ्ते लगते हैं, उस 2 हफ्ते में फिर भी आपको कोल्ड हो सकता है, फिर भी आपको फ्लू हो सकता है। सो जब भी वैक्सीन लेते हो 2 हफ्ते का समय होता है, और जब वैक्सीनेटेड, जब बीमार हो उस समय वैक्सीन नहीं लगाते, ठीक होने के बाद लगाते हैं, जिस समय ऑलरेडी कोल्ड चल रहा है उस समय नहीं लगाते वैक्सीन। सो ये 2 चीजों का बात का ध्यान रखना है। 6 महीने से ऊपर किसी को भी वैक्सीन देना है, और एक बार साल में एक बार देते हैं, लेकिन पहली बार जब वैक्सीन लगती है बचपन में, 6 महीने से 8 साल की उम्र में अगर आपको पहली बार वैक्सीन लग रही है तो 2 लगती है, क्योंकि ये माना जाता है कि 6 से 8 साल में आपको शायद कभी कोई कोल्ड नहीं हुआ हो, तो इसीलिए आपको 2 वैक्सीन लगती है, एक लगती है यही वैक्सीन, और फिर 4 हफ्ते के बाद 28 दिन के बाद फिर से लगती है वो वैक्सीन। तो फर्स्ट टाइम 2 वैक्सीन लगती है, उसके बाद हमेशा एक ही वैक्सीन लगती है इन्फ्लुएंजा की। आप इन्फ्लुएंजा बहुत नाम से आती है, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, ट्राइवेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट आने वाली है, वैक्सीन लीजिए, अपने डॉक्टर से बात करिए कि आपके लिए स्पेसिफिक कौन सी वैक्सीन है। कई वैक्सीन स्पेसिफिक आती हैं जो कि 65 ईयर के ऊपर वाले लोगों के लिए हैं, कई वैक्सीन आती हैं जो सिर्फ प्रेग्नेंट लोग, कई वैक्सीन जो एग एलर्जी है, जिसको अंडे से एलर्जी, उनके लिए वैक्सीन आती है। नॉर्मली यही वैक्सीन 3-4 टाइप की चीजों में नहीं दी जाती, जैसे अगर किसी को एग एलर्जी है, क्योंकि कई टाइप की इस टाइप की वैक्सीन के जो वायरसेस है एग में ग्रो किए जाते हैं, तो एग एलर्जी वाले लोगों को नॉर्मल वैक्सीन नहीं, उसके लिए स्पेशल इन्फ्लुएंजा की एग एलर्जी वाली वैक्सीन दी जाती है। और जिनको गुलेनबारे सिंड्रोम है, GBS है, उनको नहीं दी जाती बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर से बात किए, या फिर अगर आपको फीवर है कोई, ऑलरेडी कोई बीमारी है तो नहीं देते, या फिर अगर मान लीजिए आपको पिछले साल इसी वैक्सीन से कोई एलर्जी हुआ था
तो आपको फिर ये वैक्सीन नहीं देते। तो ये पूरी बात हुई इस वैक्सीन की दोस्तों। बात आती है इसकी बेनिफिशियल इफेक्ट की, कि क्या कितना इफेक्टिव है। 100% इफेक्ट नहीं है कि आपने ले लिया तो आपको फ्लू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अच्छे चांसेस हैं कि आपको फ्लू नहीं होगा, बट आपके अंदर फ्लू का वायरस जाएगा जरूर, आपकी बॉडी उसे मार देगी, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होंगे। और अगर एंटीबॉडीज कम भी पड़ जाते हैं तो बीमारी उतनी सीवियर नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटल जाके एडमिट होना पड़े, आपकी जान पे बनाए। वरना फ्लू बड़े सीरियस भी हो सकते हैं, निमोनिया भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन, सिंपल डिहाइड्रेशन से लेके आपको एक्चुअली एनसेफेलोपैथी, डेथ भी हो सकती है, जो कि स्वाइन फ्लू से होती है, ठीक है ना। सो स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए एक फ्लू का शॉट लेना अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि आपको जो नॉर्मल फ्लू होता है वो नहीं या कम सिवियर होगा, कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, ये अच्छी चीज है। 100% इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है वायरस मैच ना करे, आपको जो वायरस अटैक कर रहा है वही वायरस का वैक्सीन आपने नहीं लिया, कुछ और वायरस स्ट्रेन का लिया, एंटीजेनिक शिफ्ट कुछ अलग हो गया जो अब तक रिसर्चर्स ने पकड़ा नहीं। सो इसमें है थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, लेकिन फिर भी जो आपने लिया है उससे आप बचोगे। सो ऑलवेज बेटर टू टेक इट, राइट। देन साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट शॉट्स के, फ्लू शॉट का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, फ्लू शॉट से फ्लू नहीं होता, ये बात याद रखिए, फ्लू की वैक्सीन से फ्लू नहीं होता है। हाँ, इंजेक्शन लग रहा है तो इंजेक्शन में दर्द सूजन आ सकता है, वहां पर इंजेक्शन गलत लगाने से साइड इफेक्ट हो सकता है, और किसी को माइल्ड सा फीवर आ सकता है। नेजल स्प्रे लेने से साइड इफेक्ट होते हैं नोज में थोड़ा सा, जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया था, नोज में थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो सकता है, नोज में लालपन, जलन, हेडेक और नोजिया, वोमिटिंग, रनिंग नोज हो सकता है, वो एक साइड इफेक्ट जरूर है। उसके अलावा नेजल स्प्रे के अलावा फ्लू शॉट या जेट इंजेक्टर का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेगनेंसी में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रेगनेंसी में भी जरूर लेना है। बस एक बात है, डॉक्टर से अपने डिस्कस करना है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी, उसके लिए पीडियाट्रिशियन एक अच्छे डॉक्टर है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट अच्छे डॉक्टर है, फिजिशियन अच्छे डॉक्टर है। ये सारी बात हुई फ्लू वैक्सीन की, जरूर 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 लगवाइए फ्लू वैक्सीन। कोई डाउट है जरूर पूछिए हमसे, यहाँ पूछिए, लाइव वीडियो में पूछिए, लाइव वीडियो रोज होता है, रोजाना होता है, इंस्टाग्राम पे भी, यहाँ पे भी। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हैं तो जरूर फॉलो करिए। आप ही के लिए ये वीडियो हमने हिंदी में फिर से बनाया है, एफर्ट लिया है, तो आप भी एफर्ट लीजिए, इसे जरूर शेयर करिए, दो गुना शेयर करिए। आई एम डॉक्टर परमजीत, आई एम कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली एनसीआर। यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।